ये टाटा की इंट्रा V10 BS6 गाड़ी है। इसमें ये टोटल बड़ी गाड़ियों में जैसे पहले 5 गियर और एक रिवर्स 6 गियर आता था, ऐसे इसमें 6 गियर है, 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स। और ये इसके अंदर SCR सिस्टम लगा हुआ है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन BS6 का, जो इग्निशन को जब ऑन करेंगे तो उसी समय ऑन हो जाता है, जब गाड़ी बंद होगी तभी बंद होगा। और पहले BS4 की गाड़ियों में क्या था कि गाड़ियां जब बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, नॉक्स बनता था, तब उनका SCR सिस्टम एक्टिव होता था नॉक्स को कम करने के लिए। लेकिन BS6 में मानक इतना स्टैंडर्ड रखा गया है कि नॉक्स की मात्रा इतनी कम कर दिया गवर्नमेंट ने कि उसको नियंत्रित करने के लिए जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यूरिया का सप्लाई शुरू हो जाता है। गाड़ी बंद होने के 1-2 मिनट बाद तक यूरिया का सप्लाई, बंद होने के बाद भी जो यूरिया बचा है वो टैंक में रिटर्न खींचने के लिए मोटर चालू रहता है। तो इन सब में मोटर भी बहुत हैवी दिया हुआ है। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है, जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे सभी लाइटें आके चली जाएंगी, और उसके बाद जो इसके अंदर ऑयल प्रेशर और डायनमो का लाइट चालू है, और उसके बाद व्हीकल स्पीड 0 दिखा रहा है। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी 28,930 किलोमीटर चल चुकी है। ये इसका गियर बॉक्स का अरेंजमेंट दिया है, लेफ्ट साइड में दबा के आगे 1 नंबर, पीछे 2-3, और राइट में दबा के आगे 5 नंबर, और राइट में ही दबा के पीछे रिवर्स गियर लगता है। इन गाड़ियों में इग्निशन ऑन करेंगे, चाबी ऑन करने से पहले, ऑन करने के बाद जब स्टार्ट करने के लिए घुमाएंगे तो क्लच दबाना पड़ता है सेफ्टी रीजन से। क्लच दबाएंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। LCV में है लेकिन इसके अंदर पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, खड़ी गाड़ी में फुल स्टीयरिंग करता है इस तरह से। पहले की गाड़ियों में सादा स्टीयरिंग था, फुल काटने के लिए मेहनत करना पड़ता था। ये हाथ के इशारे से चलती है। इंट्रा V10 और V13 ये दोनों में ही पावर स्टीयरिंग है, और जो काफ़ी चलाने में कंफर्टेबल है। यूरिया कभी भी पूरा खाली ना होने दे, जब 30% तक बचा हो तो भर लेना चाहिए। ये 10 लीटर का टैंक आता है, जो अगर एक बाल्टी लेंगे तो वो 2 बार उसको फुल कर सकते हैं। 20 लीटर की बाल्टी लेंगे तो 2 बार फुल कर सकते हैं, और 3 महीने तक वो बाल्टी का वैलिडिटी रहता है। तो 20 लीटर में सस्ता भी पड़ता है और 3 महीने तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है। इसमें SCR सिस्टम में ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये यूरिया का डोजर है, और ये सबसे पीछे लगा है वो नॉक सेंसर 2 है। और सिस्टम में सबसे आगे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये नॉक सेंसर 1 है। ये साइलेंसर के अंदर 2 पाइप देख रहे हैं, ये वाला, ये और ये दोनों ही डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के पाइप हैं। जैसे ही इसमें सूट कलेक्ट होगा और धुआं आने वाला जो प्रेशर है, और इसके बाद जब यहाँ से धुआं गुजरेगा उसका प्रेशर, दोनों को मेजर करके ECM पता कर लेता है कि गाड़ी में अभी सूट या सूट पार्टिकल्स यानी PM कितनी मात्रा में जमा है, तो उसको साफ करने के लिए रीजनरेशन प्रोग्राम कब चालू करना है वो ECM उसका डिसीजन लेता है।